आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा कि हमें जिंदगी में प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। ये निर्णय बहुत ही जरूरी है, तो ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स और कुछ फिगर मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा जॉब है जहां पे हाई स्टेटस मिलता है, जहां पर आपको वर्कलोड कम मिलता है, जहां पर आपको किसी को रिपोर्टिंग नहीं करनी होती है डेली बेसिस के ऊपर, आपको हॉलीडे टाइमली मिल जाता है, आपको रिटायरमेंट इनकम मिलती है और आपको गवर्नमेंट के बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो ये गवर्नमेंट जॉब है। साथ में प्राइवेट जॉब की बात करते हैं, तो प्राइवेट जॉब के अंदर आपको ग्रोथ करने का मौका मिलता है, वहां पर आपको प्रेशर लेना पड़ता है, वहां पर आपको अपने आप को लर्निंग में डालना पड़ता है और वहां पर आपको नए नए चैलेंजेस रोज देखने पड़ते हैं, रोज उनका सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर है। अब मैं बात करूं कि बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी कहां है वो ये कभी नहीं बताते। तो मैं आपको बताता हूं, बेरोजगारी उन लोगों के लिए है जो लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं और वो प्राइवेट में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट के अंदर बहुत सारी वैकेंसी रोज ओपन हो रही है और बहुत सारे लोगों के रिक्वायरमेंट रोज पड़ रही है, लेकिन कुछ लोगों ने अपना माइंडसेट बना के रखा है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में ही जाऊंगा, प्राइवेट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्राइवेट में उनको अपने आप को बदलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी और वहां पर आपको ज़्यादा वर्क का प्रेशर लेना पड़ेगा और बहुत सारे लोग ये सब चाहते नहीं हैं, इसलिए वो आराम की नौकरी ढूंढना चाहते हैं और वो आराम की नौकरी मिलती है उनको गवर्नमेंट जॉब के अंदर। आज गवर्नमेंट का बंदा जो तैयारी कर रहा है वो इस मकसद से कम तैयारी कर रहा है कि मैं वहां पर जाके सेवा करूंगा, इस मकसद से ज़्यादा कर रहा है कि मुझे वहां पर जाके बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी, स्टेटस मिलेगा और मुझे मेरी जिंदगी के अंदर आराम की लाइफ जीने का मौका मिलेगा। तो बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट की तैयारी करें, हालांकि सब नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग इस मकसद से तैयारी कर रहे हैं कि मुझे वहां फायदे मिलेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच के तैयारी करते हैं कि उनको जाके वहाँ गवर्नमेंट में सेवा करना है, सर्विस देनी है, लोगों के लिए कुछ करना है। ये आपके ऊपर निर्णय लेता है या आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस मकसद से तैयारी कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर बेरोजगारी है तो पूरे देश में बेरोजगारी है, तो मैं आपको कहूँगा बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं सालों से अपनी कंपनी चला रहा हूँ, मैं एक बिज़नेस कोच हूँ, मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ और मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके यहाँ पर रोज़ कोई ना कोई नए बंदे की रिक्वायरमेंट होती है उनके बिजनेस के अंदर। उनको अकाउंटेंट चाहिए, सेल्स चाहिए, उनको मार्केटिंग वाला चाहिए, उनको सोशल मीडिया चाहिए, उनको एडमिन चाहिए, उनको हर तरह के लोग चाहिए। लेकिन जब हम लोगों का इंटरव्यू करते हैं तो लोग कहते हैं हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है और हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, मुझे इतनी सैलरी चाहिए, मुझे ये टाइमिंग चाहिए, मुझे इतनी हॉलीडेज चाहिए। ये पहले से ही वो डिमांड करते हैं जो कोई भी कंपनी उनकी फुलफिल नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि बेरोजगारी देश में बिल्कुल नहीं है, बेरोजगारी को सिर्फ एक रूप दिया गया है जिसको हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल बेरोजगारी। जी हाँ, आर्टिफिशियल बेरोजगारी हमारे देश में ज़रूर है कि जो बनाया जा रहा है कि बेरोजगार लोग हैं, लेकिन बेरोजगारी नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लोग जाना नहीं चाहते हैं, लोग करना नहीं चाहते हैं। तो ये मैं आप पर डिसीजन छोड़ता हूँ, क्या आप मुझे बताइए हमारे देश में वाकई में बेरोजगारी है या आर्टिफिशियल बेरोजगारी है। और मैं उन लोगों को ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा जो लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, भैया अगर आपको नहीं मिल पा रहा या आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो तो आप अपना समय वेस्ट मत करो, क्योंकि आपके घर परिवार की उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है, लोगों की आपसे बहुत सारी मिन्नतें जुड़ी हुई है। तो आप उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए अगर गवर्नमेंट में नहीं जा पा रहे हैं तो प्राइवेट की तरफ रुख कीजिए और वहाँ पर भी बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे ऐसे एडवांटेज आपको मिलते हैं जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। तो ज़िंदगी में बेरोजगार रहने से बेहतर है कि प्राइवेट जॉब की तरफ रुख कीजिए और वहाँ पर भी आपको वो सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं जो आपको गवर्नमेंट जॉब में मिलते हैं। तो सिर्फ आप डिपेंड रहकर अपना टाइम पास मत कीजिए, आप एक निर्णय लीजिए और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक नया कदम उठाइए। ये मेरी आपको सलाह है और इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों को तक शेयर कीजिएगा जिन लोगों को ऐसा लगता है देश में बेरोजगारी है, या जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूँ अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो ये वीडियो उनको हेल्प करेगा प्राइवेट में जाने में और साथ साथ में अपने माइंडसेट को बदलने में। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।